हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वाटरमेलन के छिलके में से बहुत ही लाजवाब, एकदम मार्केट जैसा टेस्टी टूटी फूटी, वो भी एकदम फ्री में। तो चलो दोस्तों, आज की रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, मेरे वीडियो में न्यू आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। दोस्तों, वाटरमेलन खाने के बाद उसके छिलकों को हमने रख दिया था और बाद में ऊपर का भाग हमने कट कर लिया है और नीचे का ग्रीन साइड में रख दिया है। देखिए, तो इसका वाइट भाग था ना, उसको हमने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई के अंदर हमने वाटरमेलन के स्क्वायर पीसेस करके रखे थे ना, वो ऐड कर लिए है और 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। अब ढक्कन लगा के इसको हाई गैस के ऊपर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, 10 मिनट हो चुकी है, अच्छे से वाटरमेलन के पीसेस पक चुके हैं। देखिए, एकदम ज़्यादा नहीं पकने चाहिए, थोड़ा सा कच्चापन होना ज़रूरी है दोस्तों। अब ना इसका पानी निचोड़ लेंगे इस छाननी की सहायता से। इसका पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया है और ठंडे पानी से थोड़ा सा वॉश भी कर लिया है। दोस्तों, टूटी फूटी ठंडा हो चुका है, अब हम 2 प्लेट के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए, टूटी फूटी ऐड करने के बाद आधा चम्मच ऐड करेंगे फूड कलर, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से कलर आ जाए टूटी फूटी के अंदर। और दूसरे में ऐड करेंगे ऑरेंज कलर, आप अगर रेड कलर या और भी कोई पिंक कलर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आपके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। चम्मच की सहायता से मिक्स कर लिया है हमें दोनों टूटी फूटियों को। और अब एक डब्बे के अंदर ऐड कर लेंगे टूटी फूटी को, आप कोई भी बाउल के अंदर भी ऐड करके रख सकते हो। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे शुगर, एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए टूटी फूटी के ऊपर शुगर, इतना ऐड करना है हमें। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से ऐड कर लीजिए टूटी फूटी और एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए शुगर से टूटी फूटी को। अब ढक्कन लगा के इसको 24 घंटे के लिए रख देना है हमें। तो दोस्तों, 24 घंटे हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, एकदम डार्क ग्रीन कलर आ चुका है टूटी फूटी का, एकदम चाशनी अच्छे से रेडी हो चुका है। जो हमने शुगर ऐड किया था ना, अपने आप मेल्ट हो चुका है, हमने कोई इसका शुगर सिरप या चाशनी नहीं बनाया था, अपने आप हो चुका है देखिए 24 घंटों में। तो अब ना इसको हम निकाल लेंगे, चाशनी से अलग कर लेंगे। आप चाहे तो छानने की सहायता से छान भी सकते हो। देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है और एकदम अच्छा चाशनी बन चुका है। तो अब ना टूटी फूटी को हमें इसके ऊपर ऐड कर लेना है, कोई भी ट्रे वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने भगोने का ढक्कन ले लिया है क्योंकि बड़ा है ना, इसके ऊपर अच्छे से फैल सकता है। हाथ की सहायता से इस तरीके से फैला देंगे। शुगर सिरप नहीं ऐड करना है दोस्तों, बस इस तरीके से देखिए निकाल लेना है टूटी फूटी को और अच्छे से फैला लेना है। बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है टूटी फूटी में, अब हम धूप में सुखा देंगे दोनों टूटी फूटी को। दोस्तों, अगर ज़्यादा अच्छी धूप होगी तो ये 10 से 12 घंटे में रेडी होता है सूखने के बाद ही। देखिए, एकदम ड्राई होने लगा है हमारा टूटी फूटी, तो इसको अच्छे से धूप देंगे, एकदम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एकदम ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकने वाला है। देखिए, आप ज़रूर बनाइएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।